हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इस जहाज के बारे में और इसकी मारक क्षमता के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि क्या विशेष है इसमें। आशीष, बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में जब लाल सागर पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि पूरे विश्व व्यापार के मद्देनजर, ऐसे में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी अपने स्पीच में यह कहा कि INS इंफाल जो कि प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का तीसरा शिप है, इसमें टोटल 4 शिप आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं INS इंफाल के बारे में दर्शकों को बताऊं, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत पहला शिप INS विशाखापट्टनम 2021 में शामिल हुआ, दूसरा शिप INS मोर्मुगाव 2022 में नेवी में शामिल हुआ, तीसरा शिप INS इंफाल अब 2023 में शामिल हो रहा है और अगले साल 2024 में इसी प्रोजेक्ट के तहत INS सूरत, जी हाँ, गुजरात की सिटी INS सूरत के नाम पर एक चौथा वॉरशिप जो कि 15 ब्रावो के तहत आएगा। अब INS इंफाल की बात करते हैं, ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ऐसे समय में जब लाल सागर पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, इस तरह के बड़े वॉरशिप्स की जो कि लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इतनी तेजी से चल सकते हैं और लगभग 75,000 टन का इनका डिस्प्लेसमेंट है, ये जाहिर सी बात है कि सभी को न केवल यमन के, न केवल यूती के, बल्कि विश्व में हर एक भारत के एडवर्सरी को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज समंदर में तैरता हुआ दिखाई देता है। और इसीलिए प्रोजेक्ट 15 अल्फा के दो और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के दो 4 इसी तरह के गाइडेड स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स इस समय लाल सागर में है। और एग्जैक्टली कोइंसिडेंस आप देखिए, ऐसे ही समय पर INS इंफाल को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है। एक और खूबी मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं ना, INS इंफाल ये पहला ऐसा भारतीय नेवी का शिप हो गया है जो कि नेवी में शामिल होने से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर चुका है। जनरली एक स्टेप होता है, जब जैसे यहाँ पर मजगांव डॉक लिमिटेड एक PSU है, सरकारी कंपनी, वो ये शिप बना रही है, रक्षा मंत्रालय की सरकारी कंपनी है, वो लॉन्च करती है और उसके बाद में जब इंडियन नेवी में शामिल किया जाता है, जिसे कमिशनिंग सेरेमनी कहते हैं, जो अभी हो रही है INS इंफाल की, कमिशनिंग के बाद ही इस तरह के बड़े हथियारों का ट्रायल किया जाता है। लेकिन INS इंफाल जो एग्जैक्टली यही वीडियो की हम बात कर रहे हैं, INS इंफाल पहला इंडियन नेवी का शिप बन गया है जिसने कमिशनिंग से पहले, नेवी में शामिल होने से पहले, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी परीक्षण। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप और ये बहुत विशेष बात है अपने आप में। आशीष, हमारे साथ बने रहिए आप। ABP News आपको रखे आगे।